बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर गुलज़ीर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। हम आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास इसी तरह का एक सिनेरियो है। Consider a point charge Q just like this way, having intensity E. In order to find the potential at a point A, bring a unit positive charge from infinity to that point, keeping the charge in equilibrium. तो हमने क्या करना है कि इस जो पॉइंट हमने लिया है चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है E। तो हम एक चार्ज को यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ या ए से बी की तरफ मूव करवाते हुए तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन पीछे पड़ी है वो ये थी कि हम क्या करते हैं, जब वर्क डन किया जाता है किसी भी चार्ज के ऊपर, जब उस चार्ज को मूव करवाया जाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बनी की डायरेक्शन वो ये होगी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो हम कंसीडर कर रहे हैं टू पॉइंट्स ए एंड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट द इंटेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम क्यू आर आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। सो जस्ट लुक दिस डायग्राम, हमारे पास पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस है आर ए और दूसरा है पॉइंट बी तो उसका डिस्टेंस है आर बी। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है उसे हम नाम दे रहे हैं डेल्टा आर का। अब हम मूव करवाएंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ चार्ज को, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो कैलकुलेट करना है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये डायग्राम में आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए दूर बनाए गए, अदरवाइज ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है सो दैट इनकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज ना हो, वो कॉन्स्टेंट रहे। तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि डायग्राम से आपको नजर आ रहा है, डायग्राम से अगर आप देखें तो ये आर बी जो है ये इक्विवेलेंट होगा आर ए प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट बनेगी आर बी माइनस आर ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर। लेट मार्क दिस इज इक्विवेलेंट नंबर वन। सो अगर हमें इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट चाहिए तो हमारे पास होगा हमेशा इट विल बी द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम दोनों का जो डिस्टेंस है आर ए प्लस आर बी और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब इस आर ए प्लस आर बी ओवर 2 में मैं आर बी जो है वो पुट कर रहा हूं, ठीक है। सो आर जो है वो आपके पास आ जाएगा आर ए प्लस आर बी की वैल्यू भी आ जाएगी, दिस विल बिकम आर ए प्लस डेल्टा आर। तो यहां से ओवर 2 लिखा ऑब्वियसली इस सारे के लिए आ गया इक्वेशन, यानी कि आर ए एज इट इज और आर बी की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर ए प्लस डेल्टा आर दिस होल डिवाइडेड बाय 2। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे 2RA plus delta R and then divided by 2, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2RA divided by 2 plus delta R over 2। तो ये हमारे पास equivalent है इसके R के, तो यहाँ से 2 से cancel, R आपके पास क्या आ जाएगा, this will become RA plus delta R over 2। अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, सो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। मैं आगे आ सकता हूं कि हमने इसको स्क्वायर कर लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमने क्या किया है R is equal to R A plus delta R over 2, तो यहाँ से हमारे पास equation आएगी, इसको square करेंगे तो ये आ जाएगा R square that is equal to R A plus delta R over 2, तो ये square open होगा तो हमारे पास value आ जाएगी R A square plus delta R over 2 का square plus 2 R A delta R over 2।
तो ये जो टर्म है इसे हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इसकी रीजन ये है कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, और जब स्मॉल वैल्यू का हम स्क्वायर लेते हैं तो बहुत स्मॉल हो जाती है, और जब वो डिवाइड होगी तो और स्मॉल हो जाएगी। तो जब हम कंपेयर करेंगे आर ए और आर बी के साथ, तो इस वैल्यू की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम इसे सिंपली यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये टू टू से कैंसिल होने के बाद आ जाएगी, R square will be equal to R A square plus R A delta R। तो जो डायग्राम से हमारे पास डेल्टा R की वैल्यू आई है वो ये है, तो हम इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू पुट कर लें, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इस वाली जगह पे हम डेल्टा R की वैल्यू को पुट करें। जब डेल्टा R पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R square will be equal to R A square plus R A into delta R की वैल्यू आ गई R B minus R A। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास R A square plus R A into R B, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो R A into R B minus आ जाएगा R A square। So ये माइनस है और ये है प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो, आर स्क्वायर आपके पास रह जाएगा सिंपली आर ए इंटू आर बी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी आर स्क्वायर। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमें आगे जो कैलकुलेशंस करनी है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये मैं रेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट करना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, हमने कुछ उसको इस फॉर्म में पढ़ा हुआ था। फार्मूला था हमारे पास लाइक एज वी नो दैट ई वॉज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर डी। ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले में पढ़ा था, इनफैक्ट वहां पर हमने डेल्टा आर इसको लिखा था इस फॉर्म में। तो यहां से हमारे पास जो डेल्टा बी है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये डेल्टा आर इधर आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ई की वैल्यू भी हमने पुट कर ली और डेल्टा आर की भी, तो हम क्या कहते हैं ई की वैल्यू जो है हमारे पास एज वी नो ई जो है हमारे पास वो इक्वलेंट है, ई वॉज इक्वल टू हम इसे लिखते होते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो पीछे हमने आर स्क्वायर के ये कैलकुलेशंस की है वो सिर्फ इस वजह से की है। अब दूसरी चीज है हमारे पास एन डेल्टा आर। अब डेल्टा आर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। आपको थोड़ी सी अजीब बात लगेगी कि हमने यहाँ पे इसको लिखा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। अब जरा डायग्राम पे आप फोकस करें तो हमारा इनिशियल पॉइंट है पॉइंट बी और फाइनल है ए, तो हम बेसिकली मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट दिस बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। तो हमारे पास स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट बी है और जो फाइनल पॉइंट है वो ए। जब हम चेंज लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का तो हम उसे हमेशा लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों वैल्यूज और डेल्टा बी भी लिख लेते हैं। सो डेल्टा बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बिकम बी ए माइनस बी बी। अब जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट डी जो है वो इस पॉइंट चार से ज्यादा दूर है और पॉइंट ए करीब है, तो डेफिनेटली पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कम होगी। अगर हम वैसे भी इसके ऊपर रूल लगाएं चेंज है तो हमारे पास इनिशियली हम बी ले रहे थे और ये ए। तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास जो पॉइंट बी है इसके ऊपर पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है लाइक राइट इट बी बी, और जो पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल है उसे हम कह लेते हैं कि वो बी ए है, तो हमारे पास
ये इक्वेशन बन गई। अब ये तीनों वैल्यूज ई की, डेल्टा आर की और डेल्टा वी की हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। इसको मैं इक्वेशन नंबर कह लेता हूँ 3। सो इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 वो हमें वैल्यूज पुट करने के बाद जो इसकी फॉर्म बनेगी वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी डेल्टा की इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव साइन मौजूद है, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0Q/r² और साथ में हमारे पास है डेल्टा आर। सो ये डेल्टा आर की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, डेल्टा आर है हमारे पास आर ए माइनस आर बी। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली आर ए माइनस आर बी। अब ये रह गए आर स्क्वायर, तो इसकी ये वाली वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 में निकाली थी वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4πε0 Q/r² इंटू आर स्क्वायर की सॉरी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमारे पास है आर ए इंटू आर बी। तो ये आ जाएगा आर ए आर बी और ये है आर ए माइनस आर बी। अब जब नेगेटिव साइन को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर बी प्लस हो जाएगा और आर ए हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कोई जो है वो उसकी नई फॉर्म आ जाएगी। तो उसको आगे हम लिख देते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा दिस विल बिकम वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0Q ये आर ए ओवर आर बी और अब ये माइनस साइन जब अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास आर बी माइनस आर ए। अब हम क्या करते हैं इसको इनके साथ यूज करते हैं इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0Q और ये 1/r a r b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। ये आर की वैल्यूज अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि कैंसलेशन हो रही है, आर बी के साथ कैंसिल, आर ए के साथ कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन आ गई है वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0Q इंटू 1/r a - 1/r b। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इससे आगे हम बात करें तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज अ वर्क डन व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वक्त जो पोटेंशियल बनेगा उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कह सकते हैं। तो अगर हम कंसिडर कर लें ठीक है नो If we consider V is at infinity, यानी कि जो point V था हमारे पास वो कहाँ पे है infinity पे, then हमारे पास R B जो है ये equivalent होगा infinite distance के या infinity के। So यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे 1/r b so it will become 1/∞ and then will become 0 something over infinity the result 0 तो हमेशा result उसका 0 आएगा जब infinity divide होगी किसी भी term के साथ। and vb that should be equal to 0 infinity के ऊपर potential की value क्या होगी 0। अब ये जो condition हमने use की है इसको अगर हम इस equation में ये जो equation है इसमें put करें तो हमारे पास equation आगे इसे कह लेते हैं equation number 4। So equation 4 will result, ये हमें result देगा V
BA minus 0 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q into 1 over RA minus 0, यानी कि 1 over RB की वैल्यू हम यहां पर 0 आ गई। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ये, तो VA is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R A। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये आप कह सकते हैं कि जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को लिखना चाहें तो ये वैल्यू है। अब अगर हम इसको जनरल फॉर्म बनाएं, इसकी जनरल फॉर्म अगर हम बनाएं तो जनरल फॉर्म हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी, जनरल फॉर्म तो हमारे पास आ जाएगा v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r। so this is the formula for the general form of absolute potential। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं that electric potential या absolute potential that is inversely proportional to the distance from the point charge। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो सबसे ज़रूरी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।